अब हम ये जानेंगे कि अशरे ज़ुलहिज्जा की फजीलत की वजूहात क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से अशरे ज़ुलहिज्जा की फजीलत बहुत ज्यादा बयान की गई है। सब्सक्राइब कीजिए आईएससी टीवी चैनल को इस्लामिक यूनिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसकी वजूहात में से बड़ी वजह यह है कि इन दिनों में इस्लाम का एक अहम रुकन हज अदा किया जाता है और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अशरे ज़ुलहिज्जा की फजीलत का सबब इन अल्फाज में बयान किया है कि अशरे ज़ुलहिज्जा के इम्तियाज का सबब यह मालूम होता है कि इन दिनों में तमाम बुनियादी इबादत जमा होती है और वो नमाज, रोजा, सदका और हज है। ये बुनियादी जो इबादत है वो बुनियादी इबादत नमाज, रोजा, सदका और हज है और इन दिनों के अलावा किसी और दिन में जमा नहीं होती। यानी ये तमाम चीजें इन्हीं दिनों के अंदर जमा हो जाती है और इन दिनों के अलावा किसी दूसरे महीने में हज, सदका वगैरह जमा नहीं होती। नीज इन दिनों की इम्तियाजी शान का सबब ये भी है कि इनमें 9 ज़िलहिज्जा यानी यौम अरफा का रोजा है जो 2 साल यानी एक गुज़श्ता और एक आइंदा साल के गुनाहों की बख्शिश का वायद बनता है। एक दिन का रोजा 2 साल के बराबर के गुनाहों के बख्शिश का वायद बनता है। मजीद बराबर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम नहर यानी ईद उल अज़हा के पहले दिन की बतौर खास फजीलत साबित है जो कि इन्हीं 10 अय्याम में से आखिरी दिन है। जैसा कि एक हदीस में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन कुर्द रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला के नजदीक दिनों में सबसे अजीम दिन यौम नहर यानी ईद का पहला दिन है, सिर्फ यौम कुर्द यानी दूसरा दिन है। अगरचे उलेमा ने इन 10 दिनों की फजीलत की ये तमाम तौजीहात बयान की है लेकिन ज्यादा मुनासिब बात ये है कि इस फजीलत की असल वजह अल्लाह ताला ही जानते हैं। यानी इस महीने की फजीलत क्या है, वो किस अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने की फजीलत बयान की है, इसका ज्यादा इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को मालूम है। तो खैर मिलते हैं हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।